गुड मॉर्निंग एंजल का देखिए कैसे कोशिश कर रही है गेट खोलने की। तो अभी हम नहा लिए हैं, मेकअप करेंगे थोड़ा आके, हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। जब कॉलेज जाऊंगी तब भी हम लोग रेडी होंगे अच्छे से। तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं, नहा तो हम सभी लिए हैं। हेलो, तो अभी हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, बाद में आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा के जा रही हूँ। और अभी पता नहीं कैसे कैसे रुकने देगी, पिंपल भी काफ़ी निकल रहे हैं मेरे फेस पे अभी है। तो अभी हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, बाद में आके आप लोगों से मिलते हैं। इतना मेरा फ़ोन चार्जिंग हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा मतलब। अभी हम लोग सब लोग ब्रेकफास्ट करके आके रेडी हो गए हैं, देख भी रहे होंगे पहले का फेस और अब का फेस, पता ही चल रहा होगा कि रेडी हो गए हैं सब लोग। एंजल भी देखिए, सोनू बिंदिया लगा रखी है मेरे बेटे ने। हेलो कर दो बेटे, आप तो कर दो हेलो, हेलो कर दो सबको, लव कर दो, हाँ लव भी कर दो, लव भी कर दो, हाँ। तभी हम जाने के लिए रेडी हैं। अभी हम इसके लिए गाने चलाए हुए हैं, लेकिन अभी कहीं पर भी इसका मन नहीं लग रहा है। निकलने वाले हैं हम लोग कुछ टाइम में, 10 बजने वाले हैं, 10 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि कॉलेज भी 10 बजे ही खुलते हैं ना इसलिए। और कैसे न कैसे इसे किसी काम में रुकाया हुआ है कि ताकि ये रुकी रहे करके ना। अभी हम लोग जाने के लिए रेडी। हाँ भैया अलग ही मतलब कर लेंगे, आप लगा देना। चल बेटा, टाइम शाम दिन में लगते तो होगा नहीं, नहीं रात का डिनर है। हाँ हो सकता है डिनर का, डिनर का तो रहेगा ही है। हाँ डिनर का तो देखते हैं कितना टिकट लेना है। चलो अभी हम लोग हैं रेडी जाने के लिए। बाहर से जहाँ पे हम रुके हुए हैं वो इस तरह से है, कुछ जितना भी है ग्रीनरी काफ़ी है, जैसे होती है ना वैसे ही है। ये हो तो जाएगा वहाँ, नंबर होता है। हाँ और आगे से ये इस तरह से है। आ गया है हमारा कॉलेज, बस यहीं रोक लेना। अभी हम कॉलेज से आ गए हैं, डीजे ऑफिस जा रहे हैं, और इसने ना भूत बनाया हुआ है, इसलिए मैं कोई ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ। ये बहुत तंग कर रही है, मतलब खड़ा होना दुश्वार कर रही है, ये हमारा ऐसा हाल किया हुआ है इसने। अभी हम चलते हैं, क्योंकि काम फिर काम हो रहा है ना डॉक्यूमेंट का, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तब तो आप लोगों से बातें कर पाऊँगी अच्छे से, क्योंकि इसे भी देखना, ये तो सबसे ज़्यादा शैतान होती है। ये है देहरादून की वादियाँ, मैं आई थी यहाँ पे अपना डिप्लोमा लेने के लिए नर्सिंग का। देखिए कितनी अच्छी जगह पे है। और एंजल के बारे में तो क्या बताना, हमेशा का इसका यही हाल रहता है, बार बार बता के भी क्या फ़ायदा, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, अब यही कहना पड़ेगा। वो दो बोतल, दो बोतल मुझे। इसने हमारा बना के रख दिया भूत, गर्मी भी बहुत हो रही है, अभी हमने कुछ खाया भी नहीं है। 11 बज गया, हाँ 1:14 हो गया। तो अभी चलना है कॉलेज द्वारा, रजिस्ट्रेशन कराना, अब नया वो आया है सरकार की तरफ से, अब द्वारा कॉलेज ही जाना है। एंजल घूम रही है, अभी हम लोग आए हैं बैंक में ड्राफ्ट बनवाने के लिए। तो यहाँ पे ड्राफ्ट भर रहे हैं, एंजल को देख रही हूँ मैं, वरना तो वो एक ना एक को काम नहीं करने देती, एक को देखना पड़ता है। यहाँ पे ही रुकी है, वरना गोदी में आ रखी है, बहुत परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा। डैडी मारेंगे, डैडी जी मारेंगे, इधर मत जाओ, इधर आओ मम्मा की तरफ आओ। तो गाइस अभी हम आए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारा काम कल ही हो पाएगा, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना था, तो अभी आज नहीं हो पाएगा, कल भी आना पड़ेगा मुझे कॉलेज कॉलेज के काम से। तो सोचा अभी खाना खा लें, थक गए सुबह से निकले हुए, 10 बजे के निकले हुए थे,
और 4 बज गए हैं, तो पहले हम लोग खाना खाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर कल आएंगे काम के लिए। एंजल के रेडी ऑर्डर देने के लिए गए हैं। ये ढाबा है जहाँ हम लोग नर्सिंग करते थे, हमेशा खाना खाना आते थे, अच्छा लगता था। कर लिया, तो ये आ गए हैं ऑर्डर करने के बाद। अभी रूम पे जाते जाते होने लगी रेन, तो हम लोग बैठ गए हैं रास्ते में। एंजल कर रही है अपनी शैतानी जो हमेशा करती रहती है, एंजल के चक्कर से बैठ रहे हैं। अगर हम अकेले होते तो भीगते भागते चले ही जाते, तो काफ़ी तेज़ हो रही है। तो अब भी आ चुके हैं हम अपनी जगह पे, यथा स्थान पे। बारिश हो रही थी, बारिश में हम लोग भीग गए हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, कम कम चाहता था। टंग स्लिप हो गई ना इसलिए। तो अभी हमें सुबह को भी जल्दी जाना है कॉलेज के काम से, इसलिए अब रेस्ट करेंगे आराम से। मैं धूप से भी निकल रही, बारिश भी हो रही। अभी हम लोग आ गए हैं वन पैर धुलिया। देखो ये दोनों बाबा बेटी सैंडल, सफ़ेद सैंडल है दोनों, और देखे एंजॉय कर रहे हैं, गाने चल रहे हैं। जाएंगे गाइस, जब भी हो रही है रात के 7:30 बज गए हैं, 7:30 से ज़्यादा हो गया, 7:45 हो गया। थोड़ा सो गए थे हम लोग आपसे बातें करने के बाद, फिर मैं सो गई थी, एंजल भी सो गई थी, एंजल के डैडी भी सो गए थे। देखो वो माउथ वॉश कर रहे हैं। थोड़ा हम लोग उठ के बैठे, और वेदर बहुत अच्छा हो रखा है यहाँ पर, इतना ठंडा लग रहा है। देखो पंखा कितना कम किया हुआ है, एसी चलाने की तो नौबत भी नहीं आ रही, इतना ठंडा लग जाता है बहुत ज़्यादा। और देखिए बाहर इतनी अच्छी ग्रीनरी है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा अभी बाहर जाएं, तो अभी ये मुंह धुलेंगे तब हम लोग थोड़ा बाहर घूम के आएंगे। बाहर का दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छा है, बहुत ग्रीनरी है। ये देखिए जूम करके आप लोग को दिखाती हूँ, है ना ब्यूटीफुल है ना, ना कहाँ मिलता है ऐसे, हर होटल में तो नहीं मिलता है सच बताऊँ तो। और एंजल अभी इसलिए इंजॉय कर रही है, इतना चॉकलेट खा रही है, इंजॉय कर रही है। हेलो कर दो एंजल, हेलो करो। ये स्लीपर है, ये मेरी रखी है, बकाया हमने सामान ऐसे ही फैलाया हुआ है अभी। तो ये हमारे रोल, नो बेबी गर्म हो रहा है, देखो एंजल कितनी जल्दी कर दिया खाने की। तो आप लोग भी खा लीजिएगा, हम लोग बाहर आए थे घूम के, घूमने तो सोचा कुछ खा लेते हैं। ये है पल्टन बाज़ार का घंटा घर, घंटा घर है पल्टन बाज़ार, क्या लगता है।